तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10,790 NM का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये PDF ले लीजिए, ठीक है। इस PDF में मिलेगा आप लोग को 4,000+ क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी ANM का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड VVI क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी ANM में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक PDF में मिल जाएगा। इस PDF को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये PDF कैसे ले, तो ये PDF लेने के लिए आप लोग के सामने एक WhatsApp नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये WhatsApp नंबर चंदन सर का है, ये WhatsApp नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर WhatsApp कीजिए कि PDF चाहिए, तो आप लोगों को ये PDF WhatsApp पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये PDF है आप लोग के सामने, जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस PDF से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस PDF से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो PDF जो है इसमें आप लोग को YouTube पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक WhatsApp ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये PDF परचेज कीजिएगा, आप लोगों को एक WhatsApp ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी PDF लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये WhatsApp नंबर आप लोग जो है WhatsApp नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये PDF ज़रूर लीजिए, ये WhatsApp नंबर है, WhatsApp नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे जो है अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी क्वेश्चन जो है वो हो चुका है, लेकिन आज जो है उसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। औषधि विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, औषधि विज्ञान के जो है जनक बताना है कि आखिर औषधि विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन बी है पॉल बर्ग, ऑप्शन सी है गैलन, ऑप्शन डी है लैंड एस्टीन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस, ठीक है। हिप्पोक्रेटस जो है औषधि विज्ञान के क्या है, जनक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन के रूप में किसे जानते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है, फर्स्ट है कोर्टिसोल, ऑप्शन बी है वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन जो सी है वो है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी है एड्रेनलिन, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन जो है उसको हम लोग आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। इसको आपातकालीन हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है जब हम लोग जो है जब अधिक गुस्सा करते हैं या फिर भयभीत हो जाते हैं, मतलब खतरे के समय जो है ये सक्रिय हो जाता है एड्रेनलिन, ठीक है। याद रखिएगा ये कब सक्रिय हो जाता है, जब हम लोग भयभीत रहते हैं, क्रोधित होते हैं, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है उस समय एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अगर पूछे आप लोग से कि जो एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि से निकलता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से, ठीक है। अधिवृक्क यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अधिवृक्क, ठीक है। इसको हम लोग जो है इसको इंग्लिश में यहाँ पे एड्रेनिल भी बोलते हैं, ADRENAL, ठीक है। एड्रेनिल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो ग्लैंड होता है ना यहाँ पे जो किडनी के ऊपर स्थित रहता है, ठीक है। किडनी ऐसे रहता है, किडनी ऐसे रहता है, ठीक है। किडनी जो है ऐसे दो किडनी होता है और इसी के ऊपर ये जो है स्थित रहता है एड्रेनिल ग्रंथि, ठीक है। और इससे स्रावित होता है एड्रेनिल हार्मोन, जो कि जो है हम लोग जब भयभीत रहते हैं उस समय जो है ये स्रावित होता है, ठीक है। और जो है इसका और भी नाम है, इसको हम लोग जो है युद्ध हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, युद्ध हार्मोन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। इसी का नाम है, आप लोग आपातकालीन हार्मोन बोलिए, युद्ध हार्मोन बोलिए, या फिर फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, जब ये हार्मोन सक्रिय हो जाता है यानी एक्टिव हो जाता है, जब हम भयभीत स्थिति में रहते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारे आँख का जो पुतली होता है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। और हार्ट बीट जो है यानी कि जो हृदय की धड़कन होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। पसीना आने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सारा कुछ जो है साइन एंड सिम्टम हो जाता है एड्रेनिल हार्मोन के स्राव होने का, ठीक है। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर। दुर्लभ रोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले औषधि को क्या कहा जाता है, दुर्लभ यानी रेयर केस में जो रोग होता है, ठीक है। जो यहाँ पे मान लीजिए 1000 में एक लोगों को हुआ रेशियो, ठीक है, वैसा जो रोग होता है, ठीक है, उस रोग में जो औषधियाँ उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस औषधि को किस कैटेगरी में किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है ऑर्फन औषधियाँ, ऑर्फन औषधियाँ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी दुर्लभ बीमारियाँ होती है, ठीक है, रेयर केस में जो बीमारियाँ होती है यानी कि जो बीमारियाँ बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, तो वैसे बीमारियाँ में जो औषधियाँ यूज किया जाता है तो उसको हम लोग ऑर्फन औषधि बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ प्रभावी होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो होता है वो हम लोग किस में यूज करते हैं, ऑप्शन देखिए फर्स्ट है वो है डेंगू बुखार, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन जो 4 है वो है हेपेटाइटिस ए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हैजा, ठीक है। हैजा और टाइफाइड में क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है OTC दवाएं जो है लेना लाभप्रद होता है, ठीक है। जो OTC दवा होता है वो हम लोग किस बीमारी में दवा लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो फर्स्ट है हृदयघात में, ऑप्शन जो बी है गठिया में, ऑप्शन सी है मांसपेशियों के दर्द में, ऑप्शन डी है वो है दस्त में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा OTC जो है मांसपेशियों यानी मसल्स जो है पेन होता है उसमें हम लोग दवाइयाँ लेते हैं।
यहाँ पे जो है OTC जो है OTC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए OTC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ओवर द काउंटर, ठीक है, ओवर द काउंटर COUNTER, ओवर द काउंटर मतलब क्या हुआ, वैसी दवाइयाँ, ठीक है, वैसे दवाइयाँ, OCT दवाइयाँ क्या है, ठीक है, तो वैसे दवाइयाँ जिस दवाइयाँ को हम लोग जो है बिना पर्चे के भी खरीद सकते हैं, यानी बिना डॉक्टर के लिखे हुए भी हम लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जो है जो दर्द की दवाइयाँ होती है, खांसी बुखार ये सब की जो दवा होती है ना, तो ये सब की दवा हम लोग जो है बिना पर्चे के भी खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं और वो लाभप्रद भी होता है। अब जैसे कि हम लोग 10 का दवा खरीद तो सकते हैं, लेकिन जो है किस टाइप का दस्त है ये सब कुछ के बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं रहता है, तो वे लाभकारी नहीं होते हैं। यहाँ पे आप लोग 3 और 4 में ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पे मांसपेशियों का दर्द ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये जो है पिछले क्लास में बताए थे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के बारे में डिटेल में बताया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर सभी लोग देंगे। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्रव जो है विलयन हाइपरटोनिक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है एनस में 5% डेक्सट्रोज, ऑप्शन जो बी है हाफ एनस में 5% डेक्सट्रोज, RL में 5% डेक्सट्रोज, ऊपर के सभी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी, सभी के सभी हाइपरटोनिक है, ठीक है। हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक इसका एग्जांपल, सारा कुछ क्या चीज़ क्या होता है डिटेल में पिछले जो क्लास कराया गया था उसमें बताया जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, एनाफिलेटिक शॉक में एडेकालाइन किस रूट से दिया जाता है, एडेकालाइन एक प्रकार का इंजेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एनाफिलेटिक शॉक के बारे में भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी बताइए एनाफिलेटिक जो शॉक में एडेकालाइन जो दिया जाता है, ठीक है, एडेकालाइन यहाँ पे नहीं होगा एड्रेनल होगा, ठीक है, एड्रेनिल होगा, ठीक है, एडर्नी, यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश नाम सही यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेनालिन, ठीक है, तो किस रूट से दिया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट है IM, ऑप्शन बी है IV, ऑप्शन सी है SC, ऑप्शन जो डी है वो है सब लिंगुअल, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे IM दिया जाता है, IM मतलब इंट्रामस्कुलर, और इंट्रामस्कुलर जितना भी इंजेक्शन है वो कितना डिग्री पे दिया जाता है, 90 डिग्री पे दिया जाता है, ठीक है। IV मतलब इंट्रावेनस यानी कि नस में दिया जाता है, और SC मतलब की सबकी ट्यूनियस जो कि 15 डिग्री पे स्किन में दिया जाता है, सब लिंगुअल मतलब IV और IM जिस इंजेक्शन को दोनों तरह से दे सकते हैं उसको सब लिंगुअल बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे एनाफिलेटिक शॉक क्या है, आखिर इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, देखिए किसी किसी को आप लोग यहाँ पे सीरियल मूवी में आप लोग देखी होंगी सुनी ही होंगी कि उसमें जब जो है क्या होता है कि किसी भी चीज़ से उसको एलर्जी होता है तो क्या होता है उसको शॉक टाइप का लगता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि BP जो है एकदम से अचानक से लो हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है मान लीजिए किसी भी चीज़ से, जैसे बहुत लोग को जो है मधुमक्खी काट लेता है, ठीक है, मधुमक्खी या फिर कोई भी चीज़ काट लेता है तो उससे उसके प्रति क्या है उस एंटीजन के प्रति उसको क्या है एलर्जी है, या फिर किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाता है, ठीक है, उसको अगर किसी भी चीज़ से एलर्जी होता है तो क्या होता है उसमें एकदम से BP जो है कम होने लगता है, लो होने लगता है, उसी को हम लोग एनाफिलेटिक शॉक बोलते हैं, ठीक है, इस स्थिति में हम लोग जो है एड्रेनालिन जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग IM देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पे
35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्डियक अरेस्ट में एड्रेनाल जो होता है सबसे पसंदीदा या सबसे उपयुक्त मार्ग जो है वो कौन सा है। कार्डियक अरेस्ट में देखिए जो एड्रेनालिन होता है ना वो एलर्जी की इंजेक्शन है, ठीक है। किसी भी चीज़ से अगर एलर्जी हो रहा है, चाहे वो किसी दवा से एलर्जी हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे इम्यूनाइजेशन में जो यहाँ पे AFI किट होता है, ठीक है, एनाफ्लाइक्सिस किट होता है, उसमें एड्रेनालिन होता है। यानी कि अगर कोई बच्चा जो है टीका लेता है और उससे उसको एलर्जी होता है तो उस समय हम लोग जो है उसको एड्रेनाल देते हैं जल्द से जल्द, अगर उसको पता चलता है तो एड्रेनालिन दिया जाता है, ठीक है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उससे जो है उसको एलर्जी है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से अगर किसको एलर्जी होता है तो ये दवा यूज किया जाता है एड्रेनालिन, ठीक है। 1 mg में आता है ये। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट के बारे में भी जानेंगे कि आखिर ये क्या है, ठीक है। तो कार्डियक जब अरेस्ट हो जाता है तो उस समय जो है सबसे यहाँ पे कौन सा मार्ग जो है वो उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट है इंट्राथेकल, ऑप्शन जो बी है इंट्राट्रेचियल, ऑप्शन सी है इंट्रोकार्डियक, ऑप्शन सी है अंतःशिरा यानी कि सीरा यानी कि वेन द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अंतःशिरा वेन द्वारा, ठीक है। अरेस्ट देखिए यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट का बात किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब जो है हार्ट यानी कि दिल जो है क्या हो जाता है कि जो है दिल यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया रहता है, घायल हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है कि वो अचानक से काम करना बंद कर देता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि उसमें हार्ट का काम क्या है, पंप करना सारे जो शरीर में पूरे शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन करना, ठीक है, ब्लड का प्रवाह करना, शुद्ध रक्त प्रदान करना, ठीक है। तो जब क्या होता है कि दिल क्या हो जाता है यानी कि हार्ट क्या हो जाता है क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये अचानक से काम करना बंद कर देता है। और जो ब्लड होता है, ठीक है, जो शुद्ध रक्त होता है उसी के द्वारा हमें क्या होता है ऑक्सीजन मिलता है। तो जब हार्ट बंद कर देगा काम करना तो हमें क्या हो जाएगा ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब अचानक से हमें क्या हो जाता है हार्ट काम करना बंद कर देता है उसी को हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब जितना टर्म आ रहा है ना कार्डियक अरेस्ट यहाँ पे एनाफिलैक्टिक शॉक ये सब याद रखिएगा, ये सब टर्म जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक में कौन सी ड्रग दी जाती है। कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में भी जानेंगे लेकिन यहाँ पे आप लोग जानिए कि शॉक में कौन सा ड्रग यानी दवा का यूज किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है एट्रोपिन, ऑप्शन बी है डोपामाइन, ऑप्शन सी है डिगोनिन, ऑप्शन जो डी है वो है प्राजोसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोपामाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्डियक जो यहाँ पे कार्डियक शॉक होता है कार्डियक शॉक में भी क्या होता है कि हृदय जो काम करना अचानक से बंद कर देता है उसको हम लोग कार्डियक शॉक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 37 नंबर यहाँ पे, इसको यहाँ पे ये सब आप इग्नोर कीजिएगा यहाँ पे, या फिर जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो आप लोग देख लीजिएगा। किसी ड्रग को प्रति गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे किसी नहीं होगा, यहाँ पे किसो किस ड्रग को प्रति गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया जो है के रूप में जानते हैं, ठीक है। यानी कि अभी तुरंत पिछला जो क्वेश्चन आया था जाने थे किस दवा को जो है हम लोग जो है एलर्जी के रूप में जब एलर्जी हो जाती है तो उस दवा को यूज करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एनाफिलेटिक्स,
ऑप्शन बी है इंटरेक्शन, ऑप्शन सी है प्रतिकूल। तो यहाँ पे एनाफिलेक्टिक्स जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलर्जी के रूप में हम लोग जानते हैं, एलर्जी के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,790 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर चंदन सर का है, ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सएप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है आप लोग के सामने, जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, सॉरी जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।